आज हम आपको ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ताज़ा खबरों का सार बताने जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में बंद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्वागत समाचार मिला कि एलिजिबल वीज़ा होल्डर्स 15 दिसंबर 2021 से देश लौट सकते हैं। लेटेस्ट ऑस्ट्रेलियन समाचार कई लोगों के लिए कन्फ्यूज्ड करने वाला हो सकता है, क्योंकि विभिन्न स्टेट्स और टेरिटरीज में क्वारंटीनिंग के संबंध में अलग अलग नियम हैं। थोड़े नोटिस के साथ, रिस्ट्रिक्शंस में बदलाव के साथ, यहाँ लेटेस्ट ऑस्ट्रेलियन समाचारों का एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अफेक्ट करते हैं। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज चैनल ए टू जेड इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले हम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताते हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया प्रीमियर मार्क मैगावन ने हाल ही में घोषणा की कि 5 फरवरी 2022 को वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की सीमा को दुनिया के बाकी हिस्सों में फिर से खोलने से कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के स्प्रेड की वजह से देरी होगी। अगले महीने के दौरान एक नई तारीख पर विचार किया जाएगा। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अभी एग्जेम्प्टेड ट्रैवलर्स में लिस्टेड नहीं हैं। 20 जनवरी 2022 को मैगावन ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि 5 फरवरी 2022 से सैकड़ों या हजारों ओमिक्रॉन इन्फेक्टेड लोगों को बिना किसी टेस्टिंग, कोई क्वारंटीन और कोई पब्लिक हेल्थ मेजर्स नहीं होने के कारण सीधे पर्थ में उड़ान भरने की इजाज़त देने से उनकी स्टेट कोविड-19 के केसेस से भर गई है। टाइम्स हायर एजुकेशन से बात करते हुए मर्डोक यूनिवर्सिटी के इंटरिम वाइस चांसलर जॉनी डेन हॉलैंडर ने कहा कि मर्डोक 5 फरवरी 2022 से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की वापसी की योजना बना रहे थे, लेकिन अब उन्हें उनकी योजनाओं और समय सीमा पर फिर से विचार करने की जरूरत होगी। उन्हें यह कहते हुए उद्धृत किया गया था कि यह जरूरी है कि वे सरकार के साथ काम करें ताकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जल्द से जल्द स्वागत किया जा सके, वे उनके बिना खत्म हो गए हैं। अगर हम क्वींसलैंड के बारे में बात करें तो वैलिड वीज़ा वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो थेरेप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन TGA द्वारा अप्रूव्ड वैक्सीनेशन के साथ फुली वैक्सीनेटेड हैं, वे बिना क्वारंटीन के क्वींसलैंड में एंटर कर सकते हैं। छात्रों को क्वींसलैंड पहुंचने के पहले 24 घंटों के अंदर TGA अप्रूव्ड रैपिड एंटीजन टेस्ट देना होगा। विक्टोरिया के लेटेस्ट ऑस्ट्रेलियन समाचारों में सभी फुली वैक्सीनेटेड इंटरनेशनल अराइवल्स शामिल हैं। आगमन पर होम या अन्य प्राइवेट अकोमोडेशन पर तुरंत क्वारंटीन करना होगा और अराइवल के 24 घंटों के अंदर एक रैपिड एंटीजन टेस्ट या कोविड-19 PCR टेस्ट देना होगा और एक नेगेटिव रिजल्ट आने तक उन्हें क्वारंटीन रहना होगा। न्यू साउथ वेल्स में आने वाले स्टूडेंट्स को अपने घर या अकोमोडेशन में सेल्फ आइसोलेट होना होगा जब तक कि उनका NSW में आने के बाद उनके लिए गए रैपिड एंटीजन टेस्ट से नेगेटिव रिजल्ट न प्राप्त कर लें। NSW में आपके अराइवल के बाद जितनी जल्दी हो सके आपको रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना चाहिए। ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी ACT के ट्रैवलर्स को ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के 24 घंटे के अंदर कोविड-19 रैपिड एंटीजन टेस्ट RAT या PCR टेस्ट करवाना होगा। अगर RAT उपलब्ध नहीं है तो नेगेटिव रिजल्ट मिलने तक क्वारंटीन होना होगा। एक बार जब आपका नेगेटिव रिजल्ट आ जाता है तो आपको एक्ट हेल्थ द्वारा अपने क्वारंटीन के अंत की फॉर्मली सलाह देने के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है, हालांकि आपको सिम्टम्स की निगरानी करनी होगी। नॉर्दर्न टेरिटरी गवर्नमेंट अपनी वेबसाइट पर कहा है कि डबल वैक्सीनेटेड विजिटर्स का क्वारंटीन किए बिना नॉर्दर्न टेरिटरी में एंट्री करने के लिए स्वागत है। केवल थेरेप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूव्ड और रेकग्नाइज्ड कोविड-19 वैक्सीन्स ऑस्ट्रेलिया और नॉर्दर्न टेरिटरी की यात्रा के पर्पस से एक्सेप्टेड किए जाते हैं और अराइवल पर वैक्सीनेशन के रिजल्ट की जरूरत होगी। साउथ ऑस्ट्रेलिया की स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि ट्रैवलर्स के पास डिपार्चर से पहले 3 दिनों में लिए गए एक नेगेटिव कोविड-19 PCR टेस्ट का एविडेंस होना चाहिए। ट्रैवलर्स को साउथ ऑस्ट्रेलिया में अराइवल के 24 घंटे के अंदर एक कोविड-19 PCR टेस्ट करना होगा और टेस्ट होने तक क्वारंटीन होना होगा। टैस्मेनियन गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पर बताया है कि टैस्मेनिया के लिए इंटरनेशनल अराइवल्स की कंडीशंस ट्रैवलर के वैक्सीनेशन स्टेटस और जहां उन्होंने टैस्मेनिया की यात्रा से पहले समय बिताया है उस पर निर्भर करती हैं। इसने कहा कि ओवरसीज से टीकाकरण करने वाले यात्रियों को हाई और एक्सट्रीम रिस्क एरियाज की लिस्ट की जाँच करनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स जरूर दें, और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।
अगर आपको किसी और मदद की जरूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।